फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लिमिटेशन एक्ट परिसीमा अधिनियम क्यों बना, क्या रीजन था इस लिमिटेशन एक्ट को बनाने का और क्या इसके पीछे इंटेंशन था। तो जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि ए ने जो है बी को कुछ पैसे उधार दिए कि वह एक साल के बाद उन पैसों को वापस कर देगा, लेकिन जो बी है उसने 5-6 साल तक भी वो पैसे वापस नहीं किए। जो एक साल में वापस करने थे उसे 5-6 साल बीत चुके, उसने वापस नहीं किए। तो जो ए है वह बी पे जो एक साल के बाद था, अगर वह कोर्ट में चला जाता कि एक साल इसने पैसे नहीं दिए, तो वह कोर्ट में केस दाखिल कर सकता था। लेकिन इसमें लिमिटेशन लग गई कि आप 3 साल तक ही किसी से, अगर आपने किसी को उधार दिया है तो आप पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन उसने 5 साल के बीच जाने तक भी उसने कोई केस दाखिल नहीं किया, जिस कारण से वह कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकता। अगर वो 1 साल के अंतराल में या 3 साल के अंतराल में कर लेता तो वह कोर्ट में उस पैसों को वापस लेने के लिए केस कर सकता था, लेकिन उसने 5-6 साल बीतने के बाद वह 6ठे और 7वें साल चाहता है कि वह कोई केस कोर्ट में दाखिल करे बी के खिलाफ, तो वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो लिमिटेशन एक्ट को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो व्यक्ति, अगर वह ये ना हो कि सालों साल बीतने के बाद कभी भी चाहे तो उठ के केस में, कोर्ट में केस दाखिल कर दे, तो ये हर केस के लिए जहाँ मनी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक लिमिटेशन है कि आप इस लिमिटेशन में ही कोई केस दाखिल कर सकते हो। अगर वो लिमिटेशन खत्म हो जाती है, उस सीमा का जो समय सीमा है उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो आप जो है केस कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कुछ जो है सेविंग्स दी हुई हैं कि वह व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ रीजनेबल रीजन बता के, उचित कारण बता के कोर्ट को दर्शा सकता है, कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सकता है कि वह व्यक्ति जो है क्यों नहीं इतने टाइम से या समय सीमा के अंतर्गत, लिमिटेशन के अंतर्गत उसने कोर्ट में केस क्यों नहीं दाखिल किया। तो जो लिमिटेशन एक्ट को बनाने का जो उद्देश्य है, जो वाद है, जो वादों की बहुलता है उनको ख़त्म करना, कि जो केसेज हैं उनकी बढ़ोतरी ना हो, उनमें एक लगाम लगे, तो इसलिए ये लिमिटेशन एक्ट बनाया गया। और यह एक्ट की वजह से ही कई केसेज हैं जो कि कोर्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि उसकी लिमिटेशन जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था लिमिटेशन एक्ट के बारे में कि ये क्यों बना, और यह 1963 में लागू हुआ, अप्लाई हुआ, और उसके बाद जो भी केसेज आए कोर्ट में तो उसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हुआ। इसमें हर केस के लिए एक लिस्ट दी हुई है कि कौन सा केस कितने सालों के अंतर्गत, कितने इयर्स के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड मोर वीडियोज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।